तो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का क्लास है रैशनलाइज सिलेबस में। देखो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? ज्यादा तामझाम नहीं। तो हेडिंग दे दो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, हेडिंग दे दो ये वाला। सब लोग दे दिया हेडिंग, रुको रुको, हेडिंग दे दो और ये डायग्राम बना लो। हम लोग प्रूफ में नहीं जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में ही जाएगा, टेंशन मत लो। हम बनाते डायग्राम, वही बनाना। डिफाइन हेडिंग दो, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए ऑफ अ पॉइंट पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। फ्रॉम ए लाइन। जो लाइन के इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। लाइन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, और पॉइंट पी क्या है? एक्स कोमा वाई, ठीक है? तो देखो, या एक्स नॉट वाई नॉट, कुछ भी नाम दे दो। बुक में क्या दिया? एक्स वन वाई वन दिया, ठीक है? कुछ भी नाम दे दो चलेगा। अब देखो, तो डिस्टेंस इक्वल टू, अच्छा पहले हम डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। मान लो ये लाइन एल है, कोई प्रॉब्लम होगा? इट कैन बी एनी। अब मान लो ये पॉइंट पी है, तो हम लोग मालूम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, नहीं होता? याद है क्लास 10 में भी क्या था? ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हम लोग का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कोई डाउट? ठीक है, ओके। हाँ 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 सर, तो बस इसी डिस्टेंस का बात चल रहा है जिसको हम डी नाम दे रहे हैं। इसी डिस्टेंस का बात चल रहा है, कोई डाउट? ठीक है, हाँ अरे कहाँ चला था। हाँ, तो मान लो ये एक्स वन वाई वन पॉइंट मानता है, बुक में वही पकड़ा है। तो एक्स वन वाई वन, ठीक है? सो डिस्टेंस डी इक्वल, फॉर्मूला क्या होगा? देखो, नीचे आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कोफिशियंट ऑफ ए एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ वाई। और ऊपर आएगा कुछ नहीं, जस्ट मॉडुलस। मॉडुलस मतलब अगर नेगेटिव भी आए तो पॉजिटिव बन जाए। तुम बस उस पॉइंट को उस लाइन में बैठा दो, मतलब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। कुछ नहीं कर रहा है उस पॉइंट पी को, क्या कर रहा है? उस लाइन में बैठा रहा है, एक्स और वाई का जगह एक्स वन वाई वन बैठा रहा है। यही तो फॉर्मूला है। डी डैश क्यों लिखा है? डैश नहीं हो, डी है, गलती से हो गया। अच्छा सो डी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्या कर रहा है? उस लाइन में खाली उस पॉइंट को प्लॉट कर रहा है, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस बिठा है क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई डाउट? एक्स वन वाई वन लिखा ना। हाँ, एक्स वन और वाई वन नाम दे पॉइंट पी को। कोई डाउट? नहीं पक्का? हाँ हाँ चलो रुको, लिखने दो फॉर्मूला। जो उतार लो फटाफट फॉर्मूला। हाँ होते ही बोलना। हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, हेडिंग दो। क्या डिस्टेंस बिटवीन आपके सबसे कौन सा अच्छा रहेगा? मतलब मतलब जब आप लिखते हैं तब आपके साथ साथ ही नोट्स बनाए, या पहले समझ ले बाद में साथ नोट्स साथ बनाए? साथ बट साथ सर को बहुत जल्दी टाइम जल्दी से खत्म हम करना दो होता है। फॉर्मेट में बता रहे हैं इसका आंसर। हाँ, हाँ मान लो ये दो लाइन है जो पैरेलल है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? तो दोनों लाइन को दो तरीका से लिख सकता है, एक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई। हाँ, या वापस बोलो, क्या बोला? दोनों लाइन को दो तरीका से लिख सकता है ना। मान लो इस लाइन को नाम देता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, इसको हाँ नाम देता है ठीक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। एम सेम होगा बिकॉज पैरेलल है तो स्लोप सेम होता है, कोई प्रॉब्लम? है। नहीं या फिर इस फॉर्मेट में रखता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। सिंस पैरेलल है तो खाली कॉन्स्टेंट बदलता है, याद है? हाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। कोई डाउट?
नहीं तो तुम लाइन का जो भी फॉर्मेट पढ़ रहे हो उस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में पढ़ रहा है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देना, और इस फॉर्मेट पे पढ़ रहा है तो भी डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। डन। ठीक है, बना लेते, रुको। सो देयरफॉर पहले डी इक्वल टू, यहाँ से आता है मॉडुलस ऑफ, कुछ नहीं है खाली कॉन्स्टेंट पार्ट को माइनस करना है, यहाँ पे इंटरसेप्ट को माइनस करना है, सी टू माइनस सी वन बाई रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। या फिर यहाँ से देखो डी इक्वल टू रूट ओवर सेम कैपिटल कैपिटल सी टू माइनस कैपिटल सी वन मैंने कॉन्स्टेंट वाला पार्ट डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लो तुमने देखिएगा सेकेंड वाला पार्ट ऊपर वाला से रिलेटेड है, बस कॉन्स्टेंट का डिफरेंस आया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन वाला से सिमिलर ही है थोड़ा। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। लाइन का दो फॉर्मेट है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हम दोनों फॉर्मेट में बता दिया। अब अगर एम एक्स प्लस सी में है तो मतलब इसमें इंटरसेप्ट और स्लोप का यूज हो रहा है, तो देखो इंटरसेप्ट का डिफरेंस निकाला है सी टू माइनस सी वन बाई रूट ओवर वन प्लस। अच्छा मॉड्यूलस लगाने का मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव ही अच्छा होगा इसमें भी हम रूट ओवर क्यों दे रहे हैं, गलती से हम रूट ओवर दे रहे हैं सेकंड वाला पार्ट में भी, मॉड्यूलस ही होगा तो पूरा में तो या एक न्यूमरेटर में, तो बात एक ही है ठीक है ना, ऊपर में देता है या पूरा एज ए होल देता है मॉड्यूलस, बात एक ही है कैसे भी दे दो, कैसे भी रूट है यही फॉर्मूला। चेक कर लो, कोई डाउट है तो। डाउट तो नहीं बट लिखने दो, डायग्राम बन गया। अच्छा लास्ट क्लास हम ऑलरेडी बता दिया था ना कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, वो तो हम लास्ट क्लास ही बता दिया था जो नॉर्मल इक्वेशन को कैसे नॉर्मल फॉर्म में या इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, लास्ट क्लास बताया था याद है। ठीक है हाँ हाँ तो ये भी जान लो ये बेसिक है, भले तुम लोग का बुक में नहीं दिया है पर एग्जाम में दे सकता है, ये सब बेसिक है। देखो ओल्ड रुको सिलेबस में लिखने दो। खाली सुन के रख लो, और जिसका सेब जो सेबा वाला है वो नोट कर लो, सीबीसी वाला सुन के रखो कि एक ही बात है, मतलब बेसिक है ये, अगर बुक में नहीं भी है तो भी ये जानना जरूरी है, कुछ खास नहीं है। हालांकि हम लास्ट क्लास बता ही दिए थे, एनसीईआरटी दिखा रहे हैं। नहीं नहीं व्हाइट बोर्ड है, तुम लिखो ना ओके जब तक लिख रहे हैं, हम मुख से बोल रहे हैं सिर्फ। अच्छा लगा आप लिखा है। हो गया होते ही बोलना। ऑलमोस्ट हाँ हो गया। अब देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, अरे यार क्या हो जाता कभी कभी, पूरा हट गया क्या। गया डिस्कनेक्ट गया नेट। अरे नेट नहीं गया, गलती से काटा, हम गलती से कट गया तुमसे। अच्छा हमको लगा डिस्कनेक्ट भी हो गया। तुम लोग सम करते रहो, हम आ रहा थोड़ा में क्लास 11 का करके, तुम थोड़ा देर में 10 लोगों को बजे वॉइस आ रहा शुरू है, करें। हमसे गलती से कट गया था एक्चुअली। कोई बात नहीं, सर कोई बात। हाँ सर ये प्रोबेबिलिटी कब कराएगा, स्ट्रेट लाइन तो हम लोग सिलेबस में है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी और वो 3D वाला तो बाकी रहेगी। प्रॉब्लिटी के लिए पहले हमको वो करवाना पड़ेगा परमुटेशन। हाँ भैया पहले बोल ही रहे तो चलो देखो कंटिन्यू करो, ऑप्शन कहाँ लिया। हम बोल रहा था, देखो क्या बोला इस इक्वेशन ऑफ लाइन से, कल हम लास्ट क्लास बताया था स्लोप क्या आता है माइनस बी बाई ए, याद है निकाल के, पर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो कोई बड़ा बात नहीं, कैसे निकालेगा देखो, हम बोलेगा स्लोप निकालो तो हम पहले क्या करेगा 3x-4y=10 + 10=0 है, तो हम पहले यहाँ से y का वैल्यू निकालेगा, कैसे हम देखिएगा 4y = 3x + 10 हो रहा है, देखो हम y को पॉजिटिव बना लिया, फिर y को अकेला कर रहा है तो क्या बनेगा y = 3/4x + 10/4 जो कि बन जाएगा 5/2। तो यहाँ से देखो m मिल गया 3/4 को, डाउट। तो ऐसे तुमको स्लोप निकालना पड़ेगा इक्वेशन से, अगर तुमको इक्वेशन गिवन है, हम यही बताना चाहते हैं, लास्ट क्लास के एंडिंग में हम यही बताया था। और ये 5/2 क्या हो गया मेरा y इंटरसेप्ट c का वैल्यू, कोई डाउट।
सिमिलरली तुमको एक्स और वाई दोनों निकालने दिया, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। तो क्या क्या करेगा हम देखो, पहले लिखेगा 3x - 4y = 10। अब सिंस इक्वल टू 1 चाहिए तो बोथ साइड किससे डिवाइड करेगा, 10 से। तो क्या बन गया, एक्स इक्वल टू 10/3 प्लस वाई इक्वल टू 10/4 = 1। डाउट? एक बात बोले, आपका बैकग्राउंड में कुछ अजीब सा टंग 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 वो मेरा बैकग्राउंड आवाज आया। अच्छा आपका में वॉल्यूम कम था, समझ गया क्या किया? किसी को कोई डाउट? देखो एक बार चेक करो, काफी देर से म्यूट है भाई। अनम्यूट था तुम अभी? हाँ हाँ समझ रहा है। ये देखो इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, लिखना है जाने से -10 हो जाता ना, तो ये प्लस, हाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये -10/3 +10/4। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिल गया, -10/3 विच इज एक्स इंटरसेप्ट, और बी का वैल्यू मिल गया 10/4 विच इज वाई इंटरसेप्ट। तो ऐसे कन्वर्जन करना है, याद है? ठीक है, गुड आउट। इसी इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में लेगा, कैसे? हम पहले क्या निकालेगा, √a² + b² तुम ऑब्जर्व करेगा, √3² + -4² कितना आएगा, 5 आएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है ना? तो हम बोथ साइड किससे डिवाइड करेगा, हम इसको ऐसे लिखते हैं 3x - 4y = -10। अब सिंस यहां पहले से माइनस है तो हम बोथ साइड किससे डिवाइड करेगा, -5 से, गुड आउट, ठीक है ना? नहीं, हाँ, बिकॉज पहले से नेगेटिव है, हम यही बताया था, जो साइन होता है उसी से डिवाइड करना है क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये क्या बन गया, -5 से होगा, -10 से नहीं होगा। अरे इंटरसेप्ट, नॉर्मल फॉर्म में हम लोग √a² + b² से डिवाइड करता रहा, जो भी मेरा √a² + b² निकलेगा। अच्छा नॉर्मल फॉर्म हम इंटरसेप्ट नहीं कर रहे। अब 5 निकला तो 5 से डिवाइड करेगा, अब +5 से करेगा या -5 से, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या साइन है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इसको पॉजिटिव बनाना है। डन, ये क्या बन गया, +4/5y = 2। तो यहाँ से पता चला स्मॉल पी क्या है, 2, ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और कॉस अल्फा ये रहा, साइन अल्फा ये रहा, समझ गया? फॉर्मूला ये था ना, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करता है √a² + b² से ही डिवाइड करना है। डन, तो यही है जो तुम लोगों का सिलेबस से हटाया था, जो हम लास्ट क्लास बता दिया था, देखो ये रहा √x + y - 8 = 0। तो पहले √a² + b² निकाला विच इज 2, तो यहाँ क्या बनेगा, √x + y = 8। अब बोथ साइड +2 से डिवाइड करेगा, क्यों, बिकॉज 8 भी पॉजिटिव है, कोई डाउट? क्लियर, ओके। और अगर अल्फा निकालना है तो तुमको साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, टेन अल्फा निकालना, उसके बाद अल्फा निकालना, उससे तुम्हारा प्रॉपर क्वाड्रेंट निकल जाएगा, क्वाड्रेंट के साथ कौन सा क्वाड्रेंट में, बिकॉज टेन अल्फा नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है? हाँ, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखो हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, व्हाट इज टेन थीटा, m1 - m2 / 1 + m1 m2, हाँ या ना? m2 - m1 भी था, एक ही बात है, मॉड्यूलस जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा जो भी है मॉड्यूलस है ना, हाँ मॉड्यूलस है। अब तुमको यहाँ पे इनडायरेक्टली स्लोप नहीं दिया, पर तुमको स्लोप निकालना आता है इक्वेशन से, समझिए ना? तो यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, y = √3x + 5। इसको जब करेगा तो बनेगा y = 1/√3x - 6। तो m1 मिल गया √3, m2 मिल गया 1/√3, गुड आउट, चेक करो, तुमको ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा सब्जेक्टिव में, समझ गया? तो y = mx + c का फॉर्मेट से m1 मिल गया, m2 मिल गया, कोई डाउट? अब बाकी तो तुमको बैठाना और सॉल्व करना, ये तो हम लोग पहले भी किया हुआ है। डन, सो डेट द टू लाइंस आर पैरेलल इफ दिस एंड परपेंडिकुलर दिस। देखो याद रखना कुछ नहीं है, अब ये कंडीशन याद रखना, एग्जाम में यूज होगा, जरूरी नहीं है हर बार तुम स्लोप को इक्वल करे। मान लो इस फॉर्म में दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = 0, ये नोट कर लो, दो लाइन a2x
प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। अब तुम थोड़ी बार बार स्लोप निकाल के इक्वल करेगा, देखो टाइम। ऐसा क्लास 10 में भी नहीं था? हाँ था, पैरेलल का तो था ही। तो नंबर ए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगा, देखो कंडीशन होगा ए वन बाय बी वन इक्वल टू ए टू बाय बी टू, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू था, पर यहाँ हम लोग वो यूज नहीं करने वाला, डन। और परपेंडिकुलर कब होगा, नंबर बी कंडीशन याद रखना, जब ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इक्वल टू जीरो, ये परपेंडिकुलर का कंडीशन है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ यूजिंग एम वन इक्वल टू एम टू एंड एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, हम लोग ये भी यूज कर सकता है अगर इक्वेशन का फॉर्म में दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ स्लोप। तो बार बार स्लोप निकालो फिर करो क्या फायदा, उससे बेहतर तुम डायरेक्टली ये यूज कर दो, तो स्लोप निकालने का टाइम बच गया तुम्हारा, समझ गया। तो ये कंडीशन है, पैरेलल होने से क्या होता है, ए वन बाई टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ए वन बाई बी वन इक्वल टू ए टू बाई बी टू, एक ही बात है, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वही निकलने वाला है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तुमको जो याद रखना रखो दोनों ही सही है, ये ज़्यादा बेहतर है, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू वैसे याद रहता है। तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू याद रखो, क्या बोल रखो दोनों सही है। तो ये कंडीशन ध्यान रखो, ये यूज़ होगा और जेई में भी काम आएगा, बेकार का अलग से स्लोप निकालो फिर कंडीशन यूज करो, कोई फायदा नहीं है, डन ठीक है ना। ये नोट कर लिया, ये एल वन है लाइन वन, ये एल टू, ये हो गया केस ऑफ पैरेलल, ये केस ऑफ परपेंडिकुलर, कोई डाउट। ये रेशनलाइज सिलेबस के बाहर इसलिए हम डायरेक्टली खाली की पॉइंट्स बता रहा, और कुछ नहीं सर। सर हम 5 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं, फोन आ रहा है मेरा पापा का। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया, नोट कर लो। तो देखो मूल सारांश यही था, सुना तो ऐसे ही है। का लास्ट क्लास हम क्या दिखाया, पहला कन्वर्जन, कैसे किसी भी ax प्लस by प्लस c फॉर्म को एक स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ा भी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल का केस, जब पैरेलल है तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, पैरेलल है तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू जीरो, खत्म डन ओके। अच्छा ये वाला फॉर्मेट हम ऑलरेडी लास्ट क्लास बता दिया था, याद है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर होता है तो जो नया परपेंडिकुलर इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस इसको डी मान लो इक्वल टू जीरो, याद है ठीक है ना, याद है बताया था परपेंडिकुलर का इक्वेशन। हेलो हेलो याद है ना ये, हाँ हाँ। तो बस अब बी का जगह माइनस टू एक्स, ए का जगह वन यानी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो, अब बस कुछ नहीं करना, ये पॉइंट को इसमें बैठा दो तो क्या बनेगा, माइनस टू इंटू वन माइनस माइनस प्लस टू प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो डी का वैल्यू जीरो आ गया आई गेस, तो यहाँ से क्या बनेगा वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स, जब तुम डी का वैल्यू बैठाएगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन है, चेक करो आगे, तो ये बेहतर तरीका है रादर देन फाइंडिंग एम अलावा, गुड आउट। ये लास्ट क्लास भी हम लोग एक्सरसाइज में किया था, बस इतना ही है एक्स्ट्रा में जो हमको बताना था, गुड आउट। अब एग्जांपल देखो, नोट मत करना, हम लोग एक्सरसाइज में कर लेगा ये, खाली सुन लो डायरेक्ट क्वेश्चन ये, अपना एग्जांपल नंबर देख लेना बुक के हिसाब से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डीज फ्रॉम द लाइन डीज, तो देखो हम लोग क्या करेगा, डी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिया कोई प्रॉब्लम, और ऊपर क्या करेगा एक्स वाई का जगह जस्ट ये पॉइंट बैठाना है, मतलब थ्री इंटू थ्री माइनस फोर इंटू माइनस फाइव एंड माइनस 26, चेक करो कोई डाउट, अब बैठा तो जो आएगा वही आंसर है, ये बनेगा फाइव, ये नाइन माइनस 20 कितना होता है, नाइन प्लस 20 कितना होता है 29, 29 माइनस 26 थ्री, तो देखो थ्री बाई फाइव आ गया, खत्म, समझा क्या किया,
पहले फॉर्मूला लिखना, हमेशा हमेशा फॉर्मूला लिखना, और कुछ नहीं, क्या क्या करना है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इक्वेशन में उसी पॉइंट को प्लॉट करके मॉडुलस लेना है। कोई डाउट? ठीक है। हाँ सर। एग्जाम्पल 10 देखेगा तो तुम देखेगा ये नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्म में है, तो इसमें फॉर्मूला क्या था, कॉन्स्टेंट को माइनस डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो सी टू का जगह लिखेगा 5 माइनस 7 सी वन का मॉडुलस, रूट ओवर वही 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, कहानी तो वही है। माइनस 2 का मॉडुलस 2 होता है, तो 2 बाई 5 चेक करो, ये डायरेक्ट है, यानी से एमसीक्यू में ही आएगा। सेवा में भले 2 मार्क में डाल दे पर सीबीएसई में एमसीक्यू में आएगा। कोई डाउट ना? पक्का सर? एक मिनट रुको ना, पानी पी के आ रहा, बस प्लीज। हाँ वेट करना, शुरू मत करना प्लीज, जल्दी आओ, याद रखा करो पानी अपने पास। अब देखो रैशनलाइज सिलेबस का एक हद सुनो, तुम लोग देख सकता है? हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ सर। अभी अभी देखा रिडक्शन वाला पार्ट हटाया ना सिलेबस से? कौन सा रिडक्शन? वही इंटरसेप्ट फॉर्म में लेना, नॉर्मल फॉर्म में लेना। ओ हाँ, ऊपर जो हटाया था। हाँ, तो देखो ये यहाँ पे कन्वर्जन दे दिया, हालांकि चलो इसमें नॉर्मल फॉर्म कम्प्लीटली हटा दिया, नॉर्मल फॉर्म है ही नहीं। ये प्रूफ हो रहा है कि एनसीईआरटी वाला, ये लोग नॉर्मल फॉर्म हटा दिया तो बाकी कन्वर्जन दिया है, भले ही उसमें थ्योरी में ना डाला हो, कोई बात नहीं। जो भी है पर रिडक्शन तो मैंने आया इधर पे एनसीईआरटी की सबसे रिडक्शन हट ही गया था, पर एक्सरसाइज में है वो रिडक्शन, तो मतलब नहीं हटा, बस नंबर ऑफ पेजेस कम आया और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा सबसे रैशनलाइज कंटेंट पता नहीं क्या सोच के बनाया, पर बहुत फ्लॉज है रेशनलाइज कंटेंट में, बहुत फ्लॉज है। जल्दी से जल्दी नया बुक आ जाए तो बेहतर, हम सबका एक एक करवाएगा। वन का टू एक्सरसाइज 9.3 या 10.3 देख लेना। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x प्लस 3y माइनस 5, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पहले क्या निकालेगा, यहाँ से y का वैल्यू निकालेगा, हाँ या ना? तो 3y इक्वल क्या लिखेगा, माइनस 6x प्लस 5, कोई प्रॉब्लम? अब बोथ साइड 3 से डिवाइड करो, बिकॉज y को अकेला करना, तो क्या बनेगा ये, माइनस 2x प्लस 5 बाई 3। तो सब्जेक्टिव में कैसे लिखेगा, ऑन कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू mx प्लस c वी गेट, क्या मिलेगा, m इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू 5 बाई 3। तो तुम देख सकते हो तुमको स्लोप और y इंटरसेप्ट मिल गया। कोई डाउट? चेक करो एक बार, हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल में किया था, अभी ये वही है। ठीक है, मतलब कुछ भी पर वाई को हम लोग अकेला ही रखना है। हाँ क्या बोलो? हाँ वाई को अकेला रखना, अगर वाई को तो एम एक्स प्लस फॉर्म में लेना तो वाई को तो अकेला ही करना पड़ेगा ना, बिकॉज हम लोग को स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने दिया है, तो स्लोप निकालने के लिए वाई को ही अकेला करना पड़ेगा। डन, और तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहता तो अच्छा बात है, माइनस बी भाई तो रोक नहीं रहा, पर हम अवॉइड करते हैं। चलो एमसीक्यू में ठीक है, पर सब्जेक्टिव में ये बेहतर तरीका है शो करने का। डन, आगे बढ़े। सर एक डाउट था मेरे को। क्या डाउट था? मतलब आप बोल रहे थे ना कि एनसीईआरटी में नया पूरा नया गलती बोला, ठीक है माइनस ए बाई बी। हाँ बोलो स्वयं। हम बोल रहा था, आप बोल रहा था ना एनसीईआरटी अपने 2026 का नया तक नया एडिशन निकाल देगा, मतलब पूरा नया बुक। हाँ तो सपोज अगर वो 2025 में निकाल दिया या अभी निकाल दिया जो महीना बाकी 2024 का, हाँ। तो फिर नीट में कौन सा सिलेबस फॉलो होगा, पुराना वाला एनसीईआरटी का ना फिर नया वाला? वो नीट देखेगा, उसका टेंशन तुम क्यों ले रहे?
नीट वैसे बोलेगा ना, क्या करेगा कुछ आइडिया के लिए? हमको आइडिया नहीं, वो तो नीट देखेगा ना। कभी हुआ है कैसा वही पूछ रहे हो? लास्ट 10 साल में सिलेबस चेंज हुआ है 7-8 साल में, बस फिलहाल ये हुआ जी थोड़ा कंटेंट रिड्यूस किया है। जब नया बुक आएगा आई थिंक, जहाँ तक मालूम है नया बुक उस नया सेशन के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। बात तो वही है, उस समय जो 12 में रहेगा उन लोग के लिए क्या करेगा, वो नीट देख लेगा, वो टेंशन मत लो। तो ऐसा होगा ना, उन लोग का 11 वाला पोर्शन ओल्ड सिलेबस, 12 वाला पोर्शन न्यू सिलेबस फॉलो करेगा, समझ रहे? ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी रिलीज होगा वो तब का हिसाब से ही सिलेबस फॉलो होगा, टेंशन मत लो, वो नई न्यू बुक को ही फॉलो करेगा, मतलब जो ठीक है। तो जब आएगा आएगा, टेंशन मत लो, तुम लोग को शायद ही मिले, 2026 का बात है ना वो। ठीक है -12 = 0, यही है ना क्वेश्चन? हाँ, तो क्या करेगा, पहले 12 को उस साइड ले जाएगा, क्योंकि हमको बनाना है इक्वल टू 1 फॉर्म में। अब उस साइड क्या डिवाइड करेगा 12, तो क्या बनेगा, x/4 + y/6 = 1, और ब्रैकेट में लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, क्योंकि हम डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखा है। और तुम डायरेक्ट ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहता तो एक बार डिटेल दिखा देना। डन। तो यहाँ से क्या पता चला, ऑन कंपेयरिंग विद x/a + y/b = 1 वी गेट क्या मिलेगा, a = 4 b = 6। तुमको मिल चुका है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, चेक करो और उतार लो, कोई डाउट है तो बोलो। अरे नहीं, वो 1 लाख को माइनस कर दो। नंबर 3 में आओ, क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन। पहले इस लाइन को इक्वेशन फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, है ना? हां, तो लिखता है, चलो पहले गिवन लाइन लिख दो, हमको बताना 12x + 6 5y - 2। नंबर 3, 12x + 6 = 5y - 2। ओ भैया कल संडे है। हाँ कल संडे है। हाँ पता है, इम्प्लाइज इसको फॉर्मेट में लाओ, 12x + 12 6 जा कितना होता है, 12 6 = 12 72। तो क्या बनेगा, 12x - 5y + 82 = 0 बन गया। Therefore, distance, इसको 1 दे देगा नाम, हाँ लिखना नहीं पड़ेगा, ऑफ द पॉइंट, पॉइंट क्या है, तुम लोग बुक खोल के तो रखा होगा नहीं जो हमको बताएगा पॉइंट क्या है। फ्रॉम लाइन 1 इज क्या था फॉर्मूला, बात तो सच बोले, मॉडुलस ऑफ 12 × x = -1 5 y = 1 + 82 डिवाइडेड बाय √a² + b² किसको याद है 12 और 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट? हम गिवन इक्वेशन लिख लिया, तुम गिवन नहीं लिखता तो ऐसा लिखता फ्रॉम लाइन इक्वेशन का नाम लिख के इज लिखता है की बात है, ठीक है? पर यहाँ गिवन इसलिए लिखा बिकॉज हमको पहले फॉर्मेट में बनाना था, अगर डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्मेट में होता हम लाइन का जगह वो इक्वेशन लिखता इज लिख देता, खत्म, चेक करो, कोई डाउट?
5 यूनिट क्यों लिखा, 5 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते क्योंकि पॉइंट माइनस वन से वन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला वो डिस्टेंस क्या है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसमें मीटर में है सेंटीमीटर में, कोई डिस्टेंस बोला है? नहीं तो मतलब अगर डिस्टेंस पूछा तो स्मॉल बॉक्स से एक साइज से 1 सेंटीमीटर ना ही ना होता है ना, ये तो कौन सा कोऑर्डिनेट का बात चल रहा है, वैसे नहीं यूनिट ही लिखता है। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो हम लोग सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर यूज नहीं करता, ठीक है? तुम अगर अर्थ का कोऑर्डिनेट मानेगा, मान लो इंडिया का मध्य प्रदेश को ओरिजिन मान लो, तो तुम कितना सेंटीमीटर में 1 यूनिट ले रहा वो भी नहीं पता, तो तुम बोल नहीं अच्छा सकते। तो अगर ये 3.4 हाँ अगर कितना यूनिट का डिस्टेंस पकड़ा गया नहीं बोल सकता अनलेस स्पेसिफाइड हो। सो जब तक यूनिट मेजर नहीं बोला, तुम देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये देखो यहाँ भी क्या लिखा है, R4 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर यूज नहीं किया ना। अगर क्वेश्चन में यूज करता तो यू कैन यूज इट, ठीक है ना, पर ऑब्वियसली क्वेश्चन में यूज नहीं करेगा। डन आउट, आगे बढ़े। तो देखो क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सजेस्ट उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ लाइन से, 4 यूनिट है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेगा। पहले हम गिवन लाइन लिख लेता, देखो अरे यार ये कभी कभी क्या होता है, इसको आपको बताना क्या दिया हुआ, नंबर 4 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी क्या पकड़ेगा बताओ, जो भी है वाई में एक्स, सॉरी वाई को, एक रुको एक सेकंड, एक्स एक्सिस पे तो वाई 0 होगा और एक्स एक्स होगा, तो के को मैं वाई मानता हूं, कोई डाउट? गिवन लाइन क्या है, एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 1, यही है ना। अब तो तुम जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेगा तो चाहे तो डायरेक्टली भी पुट कर सकता है, क्या बन जाएगा के बाई 3, पर अल्टीमेटली यहाँ पे एलसीएम लेना ही पड़ेगा, सो बेहतर है तो वहीं पे सॉल्व करके रख दो ना। तो हम ऐसा करता है, देखो 3 और 4 का क्या एलसीएम 12 होता है, तो बहुत से 12 मल्टीप्लाई करो तो आसान हो जाएगा, तुमको डायरेक्ट दिखाना नहीं पड़ेगा, समझ रहे ना। तो ये बनेगा ठीक ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्टेंस कितना दिया है, 4 यूनिट है ना। सो फॉर्मूला लगाओ, मॉडुलस ऑफ रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4k प्लस 3 into y मतलब 3 0 0 माइनस 12, क्योंकि 12 को डलाने से माइनस होगा, कोई डाउट? क्या बनेगा देखो, मॉडुलस ऑफ 4k माइनस 12 बाई 5 इक्वल टू 4, कोई डाउट? और जब मॉड्यूलर हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4k माइनस 12 बाय 5 इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो भैया लॉजिकली एक चीज अगर देखा जाए हाँ। तो हम लोग अगर क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर में तो मॉड्यूलस के करने का जरूरत नहीं है, एक ही बात है, तुम ऐसे होल ले रहे हो ऊपर ले रहे हो, हां वैसे भी वो हां हां बोल रहा था, तू ऊपर रखेगा तो पहले 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में मॉड्यूलस हटेगा, हां फर्क एक ही पड़ा ना, बात समझ में थोड़ा। अब हम क्या क्या 5 4 20 और माइनस 12 को डलाया तो प्लस 12, तो 4k इक्वल टू 12 प्लस माइनस 20, गुड आउट। सो देयरफॉर k इक्वल टू क्या बनेगा, 12 प्लस माइनस 20 बाय 4, सो k इक्वल टू क्या बनेगा, इधर तो 12 प्लस 20 बाय 4 और तो माइनस 2 माइनस 12 माइनस 20 बाय 4, बताओ क्या आएगा। एक तो आएगा आपका पॉइंट में आएगा 16 पॉइंट, नहीं 16 पॉइंट, नहीं 16 नहीं आएगा, कितना आएगा 16 नहीं आएगा, 8 कितना आएगा, 8 पॉइंट, अच्छा सेक्शन 16 बाय 8, 32 तो निकल रहा है, कैसे पॉइंट में आएगा, हाँ 32 तो नहीं है 8, और क्या आएगा -2 -8 बाय 4 यानी कि -2, एक बार चेक करो, समझ गया ना कैसे निकाला। ये क्या है राउंड, ये जो ओ ये नहीं बायोलॉजी लग रहा है, वो बायोलॉजी ही है क्लास 10 का हेरिडिटी, उस पे फोकस मत करो। अब देखो क्या के का 2 वैल्यू वैलिड है, तुम देखो कैसे वैलिड है बताता है, ये लाइन बनेगा मान लो ये क्या दे, ये 3 यूनिट होगा ये 4 यूनिट होगा, होगा ना x / y + y / b का फॉर्म में, तो एक पॉइंट क्या है 8.0, मतलब यहाँ कहीं होगा 8.0,
तो ये रहा 4 यूनिट। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, -2,0 मतलब यहाँ कहीं होगा -2, तो ये है 4 यूनिट, इसलिए दोनों पॉइंट वैलिड है। कोई डाउट? समझ गया? इसलिए 8,0 और -2,0 दोनों वैलिड है, बिकॉज़ ये रहा 4 यूनिट, ये रहा 4 यूनिट। समझ गया? चलो ये उतार लो फटाफट। यार हेरिटेज में पहुंच भी गया था जैसे, इस बार 10 का कोर्स जल्दी खत्म हो गया, अब हेरिटेज हो गया, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट दो क्लास में रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन बाद में, रिप्रोडक्शन तो पहले ही कराता है हेरिटेज के। नहीं हम पहले हेरिटेज सर अलग है ना, फिर रिप्रोडक्शन सर पहले हेरिटेज करवाते हैं, वो सब एग्जाम में पहले हेरिटेज आता है सबका, स्कूल में देखा रिप्रोडक्शन आई नहीं रहा, एक स्टूडेंट को छोड़ के बाकी किसी का भी रिप्रोडक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए पहले हेरिटेज करवाया था, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट दो क्लास में हो जाएगा, फिर सबका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तो ऐसे ही क्लास नहीं होने वाला। अक्टूबर में चैप्टर 4 यानी कि कार्बन एंड मैग्नेटिज्म, ये दो करवाएगा, साइंस खत्म में, मतलब बाय 21st नेक्स्ट साइंस से क्लास कब है? आपका साइंस से क्लास कब होता है? तुम जान के क्या करेगा, पूछ रहे थे, नहीं जानना था। हम लोग तो रिप्रेजेंट स्कूल में भी नहीं करवाया, कोचिंग में भी नहीं करवाया। नहीं करवाता कोचिंग में? नहीं। मेरा आज हो गया, आज अब नेक्स्ट क्लास फ्लावरिंग प्लांट्स होगा, फिर थर्ड क्लास एनिमल्स का होगा। आज पहला लेक्चर था ना आपका हेरिडिटी का, पहला में कंप्लीट कर देना। नहीं हेरिडिटी 1.5 घंटा करवा के हम खत्म कर दिया लास्ट क्लास, आज रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर था। लिख लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब देखो हम 15 का 5 नंबर का 2 करवाएगा, 1 डायरेक्ट है, हम 1 का रफली बताता है कैसे डायरेक्ट है। पहले लाइन का फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस C2 माइनस C1, यहाँ पे C2 का जगह क्या लिखेगा 31, माइनस C1 का जगह लिखेगा -34, तो माइनस माइनस प्लस, कोई डाउट? रूट ओवर, बाकी वही है 15² + 8² ठीक है। अब 15 और 8 का पाइथागोरस ट्रिपलेट 17 होता है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखो, बहुत हेल्पफुल होगा, हम पहले बोल रहा है, टाइम बचेगा एग्जाम में, ठीक है ना? हाँ सर। अब 34 और 30 कितना होता है? 65। अच्छा ये पूछ क्या 17 का टेबल में 65 आता है? नहीं आता भैया, नहीं आता, तो यही आंसर है। गुड आउट, नहीं इसलिए 15 का 1 खुद से कर लेना, हम 2 करवाते हैं। 15 का 1 ना 5 का 1, 5 का 1, तुम पता नहीं क्यों 15 बोल रहा, अच्छा स्टार्टिंग 15 दिख रहा है इसलिए 15 बोल रहा, 5 का 1। अब 5 का 2 देखो, गिवन लिख लेते हैं, हां फाइव का टू गिवन लाइन सर L डायरेक्ट है, कुछ नहीं है, x प्लस y, हमको आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, प्लस p इक्वल टू 0, पहले इक्वेशन बता दूं हम सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, हमको व्हाइट बोर्ड ही नहीं दिख रहा, तो कहां से बताएं? अरे हम बुक से तो बोल रहा है ना, व्हाइट बुक तो दिख रहा है ना तुमको, अच्छा क्या बताना है? 15x + 8y - 34 = 0, मैम 5 नंबर का 1 होमवर्क दिया है, 5 का 2 ब्रो, 5 का 2 और 2, अच्छा l x + y + p - 0 हो गया, अच्छा आदित्य से पूछ लिया आप? आदित्य ओके बोला ना, बोला था क्या? आया नहीं वो? आ गया, आ गया, पूछा था क्या उससे? हम सुना नहीं, तो डिस्टेंस क्या होगा देखो, अच्छा हाँ डिस्टेंस इक्वल टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या था, C2 माइनस C1, हम C1 माइनस C2 लगता है बिकॉज C1 पॉजिटिव है ना, मैंने पहला वाला लाइन पॉजिटिव है इसलिए, बाय रूट ओवर a² + b² तुम देखो C1 का जगह P लिखेगा और C2 का जगह R, पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई डाउट? ठीक है, और रूट ओवर क्या बनेगा, ये a का जगह l² और b का जगह भी l² तो अल्टीमेटली बनेगा मॉडुलस पी प्लस आर बाई 2 एल रूट 2 या रूट 2 एल, कुछ भी लिख लो,
ये कल क्लास है क्या? चेक कर लो, नहीं है, नेक्स्ट मंडे को होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो देख लो मॉडुलस पी प्लस आर डिवाइडेड बाय रूट टू एल, और नेक्स्ट मॉडुलस मत वेडनेसडे हटाना, नहीं क्यों? है क्योंकि वेडनेसडे। हमको मालूम नहीं पी और आर पॉजिटिव है या निगेटिव, या दोनों का सम पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, ठीक है ना? तो मॉडुलस को हटाना मत, ऐसे ही रहने देना, क्योंकि पी प्लस आर फाइनली पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा नहीं पता। डन, ठीक है, हाँ आगे पढ़े। हाँ 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 बड़े अब दो, ये डायरेक्ट डायरेक्ट उसने हम लोग करवाया, किया ही हम लोग, हम वही यूज करेगा जो हम नोट लिखा है। पैरेलल दिया हुआ है एंड पासिंग थ्रू माइनस टू कोमा थ्री, हमको मालूम है पैरेलल में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का खाली कांस्टेंट सेम होता है, कांस्टेंट बदलता है, या ना? ठीक है ना? तो गिवन लाइन लिखो, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, लिखो नंबर 6, गिवन लाइन 3x माइनस 4y प्लस 6 है ना, नहीं, प्लस 2, हाँ ओके। लेट एक लेट एक लेट क्या लिखता कभी, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको वन नाम दे रहा है, पैरेलल टू लाइन वन बी, क्या लिखेगा, 3x माइनस 4y, खाली कांस्टेंट बदल जाएगा, कोई जीरो, कोई डाउट? फिर क्या बोला, लाइन टू सीन्स, लिखने का तरीका, लाइन टू पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है, माइनस टू कोमा थ्री, याद है ना तुम लोगों का अरे फॉर्मूला हमने कैसे माइनस लिखा, कोमा थ्री ये फॉर्मूला याद है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये हो रहा है? बोर्ड में दिख रहा है, वैसे बोर्ड में दिख रहा है, सॉरी, ये फॉर्मूला याद है ना, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? तो 3 2 जा -6, -4 3 जा 12, प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी कितना आ गया, 18 आ गया, कोई डाउट? देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज, रिक्वायर्ड लाइन इज 3 -4y प्लस 18 इक्वल टू 0, चेक करो, कोई डाउट? समझाना कैसे किया, हम फिर से एक बार नोट में बता देता ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 है, या सी मान लो, तो इसका पैरेलल लाइन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई, खाली कांस्टेंट बदल जाता है, प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है ना? सिमिलरली अगर इसका पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, तो बी और ए एक्सचेंज करो, क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट बदलेगा ही साथ साथ, बी और ए इंटरचेंज हो जाता है और बीच में माइनस आ जाता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर का, ये हो गया पैरेलल का, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था ये, तो बस वही इस्तेमाल किया। गुड आउट, ठीक है? हाँ अब देखो नंबर 7 भी सेम है, हाँ आज आप कितना देर और करवाएगा? करते जाना यार, तुम लोग कोई कोर्स जल्दी खत्म करना है, नहीं करना है? नहीं आज नोट थोड़ा वाला, लेट हो हम नोट गया वालों को तो वही था। रिकमेंड करेगा, जितना चैप्टर पढ़ा वही थोड़ी पढ़ के जाओ, ताकि ठीक ठाक स्कोर हो जाए, पूरा एंटायर चैप्टर कवर करने का कोशिश मत करना सिलेबस मैथ्स में, जो जो चैप्टर इजी लगता है वही चैप्टर थोड़ी पढ़ के जाओ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इजी ये कर लो, सेट्स रिलेशंस इजी वो सब कर लो, वही करेगा। परमुटेशन करवा देगा इजी, टेंशन मत लो। अब देखो 7 देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू परमुटेशन के डी लोग बोलता हार्ड है। एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3, अगर एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 3 कोमा 0 बनेगा, बस वही है। तो देखो गिवन लाइन एक्स माइनस 7y प्लस 5 ना, नंबर 8, 8 है ना ये, 7 है सॉरी, गिवन लाइन एक्स माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, यही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू
लाइन वन इस, हम वही बोला इंटरचेंज करना, माइनस सेवन इधर आ जाएगा, माइनस सेवन एक्स माइनस वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए का वैल्यू वन था, बी का वैल्यू माइनस सेवन था, तो देखो बी एक्स माइनस ए वाई, कोई डाउट? ये मत सुना ये माइनस है तो बदलेगा नहीं, बी एक्स माइनस ए वाई पूरा का पूरा बी उठ के आता है, तो माइनस सेवन आएगा आगे, डन? ठीक है, सिंस लाइन टू हैज एक्स इंटरसेप्ट, एस थ्री, सो इट पासिस थ्रू 3,0, कोई डाउट? या फिर तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकता था, तुम्हारा चॉइस है, वो कर लेता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। हम बताते क्या? नहीं भैया यही ठीक है, नहीं कर लो तुम, पॉइंट वाला तो तुमको पता ही है, खाली पॉइंट बैठाना है, वो तो तुम समझ ही गया। ये एक नया है देख लो, सिंस इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा फटाफट, क्या बनेगा? 7 प्लस y इक्वल टू d, बोथ साइड d से डिवाइड कर लेगा, ठीक है, बनेगा x ये d / 7 प्लस y / d इक्वल टू 1, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खत्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटरसेप्ट यानी कि d / 7 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, सो d इक्वल टू 21, हो गया ना खत्म। रिक्वायर्ड लाइन इज माइनस सेवन एक्स माइनस वाई प्लस 21 इक्वल टू खत्म। तो तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, और वाई इंटरसेप्ट गिवन होता तो हम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म ले लेता तो ज्यादा बेहतर होता, तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाता। कहानी एक ही है, कहने का मतलब यही है, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट करने का जगह हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ही रख दिया, वो ज्यादा बेहतर लगा हमको, तो हमको उतना लिखना नहीं पड़ा। कहानी है कि 21 ही आना है डी का वैल्यू, चेक कर लो, गुड आउट, समझ गया? तुम लोग अभी और भी नहीं मिला था, आई थिंक दो लाइन के क्वेश्चन निकालने के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ये भी होता है, बट आई थिंक ये फॉर्मूला नहीं है बुक में, 12 में ही नहीं आई थिंक, उनको याद नहीं एग्जैक्टली 12 में था नहीं था, हम लोगों को मिला था अभी का, शायद रिसेंट बुक्स में नहीं है, हम लोग ऐसे में हम लोग को मिला था ये सब फॉर्मूला, गुड आउट। ठीक है चलो, 11 बज गया आज, इतना लगता है तुम लोग ज्यादा नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू।